इस साइड से देखो 500 ही है हमारे, अब थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा बक्सा इस तरफ को तिरछा है। चलो डाल दे। नमस्कार भाइयों, आज इस फोर्ड 3600 ट्रैक्टर का एवरेज निकालेंगे रोड पर के 5 किलोमीटर चलाकर देखेंगे, 2.5 किलोमीटर इधर से जाएंगे और 2.5 किलोमीटर उधर से आएंगे। अलग से इसमें टैंक लगा दिया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें निशान भी यहाँ इस जहाँ से मोड़ है टैंकी में, यहाँ से 1, 2, 3 तीसरे निशान पर डीजल है, आप देख सकते हैं। और पाइप इसकी जो फिटिंग की है, ये 2 पाइप हैं, एक वापसी का और एक जाने का, सेपरेटर पर लगा हुआ है और ये वापसी का आ रहा है अंदर से, पंप और नोजल का। और ट्रैक्टर का RPM रखेंगे 1800 और 5 किलोमीटर चलाकर देखेंगे। क्लच दबा के स्टार्ट कर लें। ये आप देख सकते हैं, ये 0 कर दी है ट्रिप। अब ट्रैक्टर को चलाएंगे स्टार्ट करके। ढाई किलोमीटर इस तरफ से जाएंगे और 2.5 किलोमीटर उधर से आएंगे, 5 किलोमीटर पर ट्रैक्टर को रोक देंगे, फिर पैमाने से नाप करके डीजल को घेरेंगे टंकी में। इसमें पच्चीस की स्पीड में चल रहा है ना। कैल लगा फेरा के पीछे हो जाइए। बंद नहीं होने की असल में छोड़ कभी। और ये हाईवे है, देहरादून रोड दिल्ली। को एवरेज निकलवाना हो दिल्ली के डिस्काउंट मिल जाएगा, वो बोल से कर सकते हैं। रोड पे निकलवाना चाहे तो रोड पर, और खेत में चाहे तो खेत में, हर रोड डीलर रोड आ गया किसी भी चीज पर, कोई पैसा नहीं है बिल्कुल फ्री।
किलोमीटर होगा। चल घुमाया लग जाएगा, चल का हाँ ढाई बजे आएगा, घुमाएगा और एक मोड़ लो। 2 किलोमीटर आ गए हैं, आप देख सकते हो अगर नजर आए तो। जल्दी आ जाए घुमा ला के, वो ड्राइवर जाएगा मोड़ खड़े कर लेनी, तो आ जाए पीछे ही आ रहे हैं। हाँ इसी साइड आ जाएंगे, तो जो इतनी भीड़ है इस तरफ, फिर वहाँ पर घूम जाएंगे, पर जब वो क्रॉस करने का होगा ना उस पर पहली तरफ हो जाएंगे। ड्राइवर पुल पड़ रहा है, मोड़ तो कुछ नहीं आ रहा, उल्टी साइड कर लिए। ये ट्रैक्टर भी साथ साथ आ गया, वंगे था नू मोड़ी है। जा रहे हैं, जब 5 किलोमीटर हो जाएगा तो ट्रैक्टर को रोकेंगे और अलग से नाप करके पैमाने से फिर डीजल डाल लेंगे इसमें टैंकी में। जब पीछे ही रहो इसके पीछे, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि बीच में से कोई वीडियो को नहीं रोकेंगे और एवरेज निकालने में कोई जरा से भी कोई हेरा फेरी नहीं होगी, इसीलिए वीडियो को नहीं रोकेंगे। अच्छा कितना एवरेज है सर पब्लिस का अंदाजा? 5 किलोमीटर में 5 ml के आसपास, 10 का 10 किलोमीटर 1 लीटर है। हाँ 9-10 भाई 47 पावर का ट्रैक्टर, 9-10 का एवरेज। चलो देखेंगे भैया जैसा भी होगा, वैसे रोड पे पहली बार एवरेज निकाल रहे हैं ट्रैक्टर का। चलो रोक लो जाकर, जाकर रोक लो, जल्दी कट जाएगा ना गाड़ी, निकट जाएगा आगे जाएगा 5 बजे वहीं रोक।
यहाँ बाइक वाला खड़ा है, इतना यही हो गया जगह 5। कर लो और आगे कर लो थोड़ी, बस बस यहाँ हो गया। ये देख सकते हैं आप, पाँच किलोमीटर हो गया पूरा, ये जीरो करी थी ट्रिप। और ट्रैक्टर भी आ गया है, अब इसमें देखते हैं तेल डाल लेंगे। तारे तेल यो ओए यो तार ले समा वो फूल भी है वो भी है इसमें ये तेल। बड़ला दलित रखड़ ले उस पे दड़े टंकी पे आ जाओ रही ना यहाँ रखे जा रही। बोलो सुमा लगाया था, ये पैमाना है नापने का, इसमें दाल लीटर करेंगे यहाँ तक हो डाल दो। कभी नहीं पाँच ही रहेगा इसमें। ये देखो तीन पर था यहाँ से, ये निशान है इससे तीन पर था, एक दो तीन। और ये डीजल लिया है इसने लगभग 500 ml ही लिया होगा। और ये जो डीजल है आप देख सकते हैं इसमें ये 600, और इसमें यहाँ पे 500 है, 500 से हल्का सा ये ऊपर है। हाँ तिरछी भी है थोड़ी, बैटरी बॉक्स आना तिरछा आयो। एक मिनट यहाँ अगर यहाँ कर दे इस साइड से, इस साइड से देखो 500 ही ml है। अब थोड़ा नीचे हो गया, थोड़ा बक्सा इस तरफ को तिरछा है। चलो डाल दे सर, टंकी भी तिरछी होगी सर। थोड़ा सा ऑर्डर लगा 100 ml और डाल दो लगा, तो क्या कम ही बल्कि 100 लगे, हाँ 50 ml के आसपास ऑर्डर लगा। अभी थोड़ा दो सौ हो गया, ये 50 ही गिर, मैं बताऊँगा राम राम तो गिरी है। बस 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 ये देख सकते हैं आप पूरा हो गया है, एक दो तीन इसी निशान पर था ये, और ये चला 5 किलोमीटर
तो इस हिसाब से इसका एवरेज हो गया ना है, कितना गिरा है इसमें? 550 गिरा है। मतलब 500 ml और 25 ml है, 25 ml मतलब 500 ml डीजल खाया इसने 5 किलोमीटर में। अभी देख सकते हैं आप 200, ये रहा 200 से बहुत ही कम है इसे, आप इसे मतलब 550 भी नहीं कह सकते सर, 500 थोड़ा ज़्यादा। तो इसका एवरेज कितना होगा? 1 लीटर 100 ml नहीं, 50 ml 1 लीटर 50 ml में 10 किलोमीटर। हाँ, तो आप इसको 9-10 किलोमीटर से थोड़ा कम एवरेज आया इसका, 1800 के रेस पर, 1800 RPM पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो को देखने के लिए। नमस्कार भाइयों।